हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो क्या हाल चाल है जी आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूपी जट की एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या पबजी इंडिया में बैन होने वाला है या नहीं। सो गाइस, आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि पबजी के बारे में जो न्यूज आ रही है कि पबजी इंडिया में बैन होने वाला है। टिकटॉक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 47 और एप्लीकेशन पर इंडिया में बैन लगाने का सोचा है, लेकिन गाइस अभी तक उन एप्लीकेशन के नाम की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। पूरा कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बैन होने वाली है। गाइस, अब इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी के ऑल्टरनेटिव ऐप्स, बैटल रॉयल गेम्स जो कि पबजी के जैसे ही हैं, आप पबजी के ऐसा ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन गेम्स के अंदर। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो यार, आज की वीडियो को करते हैं शुरू एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो गाइस यार, जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी कि पबजी इंडिया के अंदर बैन होने वाला है, तो गाइस मैं तभी के तभी गया गूगल पे और जाकर सर्च किया, तो तब मुझे पता चला कि पबजी के साथ साथ 47 एप्लीकेशन ऐसी और है जो इंडिया के अंदर बैन होने वाली हैं। तो गाइस बाद में मैंने सोचा कि चलो पबजी बैन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेंगे, फ्री फायर खेल लेंगे, बट गाइस वो भी चाइनीज एप्लीकेशन है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर के बारे में, तो मुझे चला कि ये भी उन 47 एप्लीकेशन के अंडर है, ये भी बैन होने वाले हैं। सो और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो पबजी है इसके पूरे 100% चांसेस नहीं है बैन होने के, 90% चांसेस हैं जिसमें ये पबजी बैन हो सकता है और 10% चांसेस है कि पबजी बैन इंडिया में ना हो। और अभी तो गाइज पबजी रेड जोन के अंदर चल रहा है, और पहले तो पबजी के अंदर रेड जोन होता था, अभी पबजी के ऊपर रेड जोन आ चुका है। ये नहीं पता कि कौन सा बम पबजी के ऊपर गिरे और पबजी को लोबी में भेज दे। सो यार, अभी इसको पूरा पक्का नहीं पता, खतरे के बादल हैं जो पबजी के ऊपर मंडरा रहे हैं। और गाइस किसी भी वक्त पबजी का सर्वर इंडिया में बैन हो जाएगा। गाइस ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है जिन्होंने रॉयल पास खरीद रखे हैं, पबजी के अंदर पैसे लगा रखे हैं, उनको गाइस ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो इन्जॉय के लिए खेलते हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वो कई और गेम्स भी खेल सकते हैं, बट जिन्होंने रॉयल पास खरीद रखे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। सो यार, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और गाइस पबजी के बैन होने के बाद पबजी लवर्स हैं वो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं पबजी के ऑल्टरनेटिव गेम्स जो कि बिल्कुल पबजी की तरह ही है और आप उनको खेलकर पबजी के जैसा ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो चलो यार, मैं आपको वो गेम भी बता देता हूँ। तीन ऐसे गेम्स हैं जो कि बिल्कुल पबजी की तरह ही हैं, और मैं आपको एक एक करके तीनों गेम की जो डिटेल है वो भी बता देता हूँ। सो गाइस, पहले नंबर पे जो गेम निकल के आ रहा है उसका नाम है जी होपलेस लैंड, जो कि एक बैटल रॉयल ऑनलाइन गेम है, बिल्कुल पबजी की तरह ही है, जिसके अंदर आपको सर्वाइव करना होता है लास्ट तक, जिसमें आपको पबजी की तरह ही सर्वाइव करना होता है लास्ट तक, और जो लास्ट वाला बंदा बच जाता है वो ही विनर होता है। बिल्कुल पबजी की तरह ही है गाइस ये भी गेम भी, कंट्रोल भी इसके लगभग पबजी की तरह ही है, और खेलने में ये गेम भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो फाइल साइज है वो है ओनली 300 MB। आप गूगल प्ले स्टोर से भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, सेकंड नंबर पे जो गेम आ रहा है उसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल, जो कि एक बैटल रॉयल ऑनलाइन गेम है। ये भी गाइस बिल्कुल पबजी के जैसा ही गेम है, खेलने में बिल्कुल पबजी के जैसा ही है, बहुत अच्छा गेम है, आप भी इस गेम को डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस इस गेम का साइज पबजी से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इस गेम का साइज है 3 GB। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो आपको गाइस हाई फाई फ़ोन चाहिए, नॉर्मल फ़ोन के अंदर, छोटे फ़ोन के अंदर आप इस गेम को नहीं खेल सकते हो। अगर आपको छोटे फ़ोन के अंदर गेम खेलना है तो आप होपलेस लैंड खेल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है तो आप इस गेम को खेल सकते हो, रॉयल्स ऑफ सर्वाइवल को। सो गाइस ये गेम बड़े फ़ोन के अंदर चल जाता है। सो ये गेम भी बहुत अच्छा है, पबजी के जैसे ही ग्राफिक है, बहुत अच्छा गेम है, आप इसको भी प्ले कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, चाहो तो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, थर्ड नंबर पे जो लास्ट पे हमारा गेम आ रहा है उसका नाम है जी फोर्टनाइट। ये गाइस पहले पीसी के लिए था गेम, अब गाइस ये फ़ोन के लिए भी आ चुका है। जो पीसी के अंदर इसके ग्राफिक है गाइस
बहुत ही जहर ग्राफिक है। लेकिन गाइस अभी इसको फ़ोन के लिए भी बनाया गया है और फ़ोन के अंदर इसके ग्राफिक है वो काफ़ी ठीक ठाक ही है। नॉर्मल फ़ोन के अंदर ही भी ये गेम चल जाता है। इसका साइज है ओनली 130 MB। इसे आप किसी भी नॉर्मल फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके चला सकते हो। ग्राफिक इसके ठीक है, खेलने में भी गाइस बहुत बढ़िया है। गेम पबजी के जैसा ही बैटल रॉयल गेम है, लेकिन पबजी से कुछ अलग फीचर्स हैं इसके अंदर, काफ़ी हद तक पबजी के जैसा भी है। सो गाइस कुल मिला के ये गेम भी बहुत अच्छा है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। सो बस गाइस यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। और गाइस आपका क्या विचार है कि पबजी इंडिया में बैन होना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और गाइस चैनल को भी यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और हम मिलेंगे किसी और बढ़िया सी नई सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू अगेन।